तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है दो हेडफोन्स का कंपैरिजन वीडियो। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी डिमांडिंग है। दोनों हेडफोन्स ऐसे हेडफोन्स हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सेम प्राइस के लगभग लगभग सेम प्राइस के रेंज के अंदर आते हैं। और आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि दोनों हेडफोन्स में से कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, और उनकी जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों आप समझ तो गए हो, आज हम बात करने वाले ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले ज़ेब ड्यूक की और स्टार बॉय 3 यानी कि न्यू रिपब्लिक की तरफ से आने वाले स्टार बॉय 3 की दोनों ही हेडफोन्स के आज कंपैरिजन वीडियो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा हेडफोन्स आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों ही हेडफोन्स की जो एसेसरीज है वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो एसेसरीज है काफ़ी हद तक सेम देखने को मिलती है। दोनों ही हेडफोन्स की एसेसरीज यानी कि ऑक्स केबल की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर किसी भी तरीके का माइक्रोफोन इनबिल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोनों ही हेडफोन्स को हम चेक करें कि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी मिल जाती है, तो यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम के साथ ऊपर हल्की फुल्की जो कुशनिंग है वो देखने को मिलती है। बाकी जो ईयर कप्स हैं वो आपको प्लास्टिक के साथ आपको देखने को मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको एक RGB लाइट का जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यू रिपब्लिक स्टार बॉय 3 की, तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको प्लास्टिक के साथ साथ यहाँ पर जो फ्रेम है उसके अंदर आपको मेटल की जो स्ट्राइप्स हैं वो भी मिल जाती है। तो अगर मैं दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी नापूँ ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जो बेटर मिलेगा वो है न्यू रिपब्लिक का स्टार बॉय 3, वो थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में, या फिर आप ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी जा सकते हो, ज़्यादा ड्यूरेबल भी यहाँ पर न्यू रिपब्लिक का स्टार बॉय 3 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोनों ही हेडफोन्स के जो ईयर कप्स हैं वो कैसे हैं, तो दोनों हेडफोन्स के जो ईयर कप्स हैं वो लगभग ओवल शेप के अंदर हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते हैं आपके कानों के ऊपर। वहीं अगर मैं बात करूं कि कुशनिंग कैसी है, तो यहाँ पर जो मेमोरी फॉर्म का ऑप्शन मिलता है वो न्यू रिपब्लिक के स्टार बॉय 3 में मिलता है। एक नॉर्मल फॉर्म जो मिलती है या फिर नॉर्मल कुशनिंग जो मिलती है वो जैब के ड्यूक में मिलती है, लेकिन ये सिर्फ बातों का खेल है। अगर आप कंफर्ट लेवल देखोगे तो दोनों ही हेडफोन्स का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी औसम है किसी और दूसरे हेडफोन से, किसी और दूसरे ब्रांड से, और इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले किसी और हेडफोन से। मुझे दोनों का जो कंफर्टेबल है काफ़ी अच्छा लगा। आप लगभग 2-3 घंटे आराम से यूज़ कर सकते हो, आपके कानों के ऊपर आता है और दोनों ही हेडफोन्स आते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके का जो पेन है वो मुझे दोनों हेडफोन्स में नहीं देखने को मिला। अगले अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगे न्यू रिपब्लिक स्टार बॉय 3 के, या शॉर्ट में बोलूँ स्टार बॉय 3। यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक और नया बटन देखने को मिलेगा जो कि है बूस्ट वाला ऑप्शन, यानी कि इसके अंदर ड्यूल मोड मिलता है। आप नॉर्मल मोड में भी सुन सकते हो और एक ड्यूल बेस मोड में भी आपको यहाँ पर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस हेडफोन के अंदर क्या नॉइस कैंसिलेशन है, इस हेडफोन के अंदर कोई भी नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको पैसिव नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं ज़ेब ड्यूक की बात करूं तो ज़ेब ड्यूक में ऐसा कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है कि इसके अंदर नॉइस आइसोलेशन का सपोर्ट है, लेकिन जब आप इसे यूज़ करते हो, पहनते हो अपने कानों पर, तो बाहर की जो साउंड है उसकी जो कुशनिंग है या फिर उसकी जो बिल्ड है ज़ेब ड्यूक की, वो बाहर की जो नॉइस है एम्बिएंट साउंड को रोक लेती है। तो दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी अच्छे हैं बाहर की साउंड को रोकने में इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब बात करूं अगर मैं ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पर दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी अच्छी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 40mm के जो ड्राइवर साइज़ हैं दोनों ही हेडफोन्स में आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी साउंड निकालते हैं दोनों ही हेडफोन्स, लेकिन उसकी जब बात है वो बाद में करते हैं। वहीं इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बैटरी बैकअप के मामले में दोनों ही हेडफोन्स कितने डिफरेंस हैं या फिर कितने करीब करीब आते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़ेब ड्यूक के अंदर आपको लगभग 30 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलता है, जो काफ़ी बड़ा नंबर है एक वायरलेस हेडफोन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टार बॉय 3 की, तो यहाँ पर आपको लगभग 25 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलता है, जो कि कम नहीं होता। इन दोनों ही हेडफोन्स में किसी भी तरह की क्विक चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग 2-2 घंटे दोनों ही हेडफोन्स को चार्ज करना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, उसके बाद इतना बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों ही हेडफोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं साउंड क्वालिटी के मामले में, और कैसा परफॉर्म करते हैं माइक्रोफोन के हिसाब से, और उसके बाद हम बात करेंगे कि दोनों ही हेडफोन्स कितनी साउंड लीक करते हैं इसकी बात कर लेंगे। Thank you.
अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब ड्यूक मॉडल से, और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये कॉल के दौरान रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है यानी कि माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है। जो आप साउंड सुन रहे हो वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन के, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाओगे कि दोनों ही हेडफोन के अंदर तो आपको एक अंदाज़ा लग जाओगे कि दोनों माइक्रोफोन्स में कितनी साउंड चेंज हो जाती है, और आपको अंदाज़ा ये भी लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी म्यूज़िक की कि ये पर्सनली आपको अगर आप फील करते हो तो कैसा सुनाई देगा। तो दोस्तों, आपने दोनों ही हेडफोन्स की जो साउंड क्वालिटी थी, माइक्रोफोन की क्वालिटी थी और कितना साउंड लीक करते हैं दोनों ही हेडफोन्स, ये मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में आपको कैसी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, तो यहां पर मैं बात करूंगा सबसे पहले ज़ेब ड्यूक की। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं डिटेल में बात करूं वॉइस क्वालिटी की या फिर वोकल्स की, तो यहां पर आपको काफ़ी क्लियर साउंड आपको देखने को मिलती है। एक एक डायलॉग यानी कि वोकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक डायलॉग आपको क्लियरली सुनाई देता है, किसी भी तरह का आपको डिस्टॉर्शन आपको नहीं फील होता है। आप 100% पर भी इसे सुनते हो तो किसी तरह की आपको चुभन या डिस्टॉर्शन या लाउडनेस आपको फील नहीं होता इस हेडफोन के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेबल और मिड्स की, तो काफ़ी बैलेंस तरीके से आते हैं दोनों ही चीज़ें और आपको क्लियरली सुनाई देती हैं दोनों ही चीज़ें, कोई चीज़ अप नहीं है हाई नहीं है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बेस क्वालिटी, तो बेस क्वालिटी इस हेडफोन की ज़बरदस्त है और 1500 रुपये की रेंज के अंदर मुझे लगता नहीं कोई इसका कॉम्पिटिटर होगा, और इतने अच्छे फीचर के साथ इस हेडफोन के साथ जो भी चीज़ें वो कोई और हेडफोन नहीं दे सकता। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टार बॉय 3 की, तो यहाँ पर आपको जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। इसके अंदर आपको ड्यूल मोड मिलता है, यहाँ पर आप ड्यूल मोड के द्वारा आपके जो बेस है और लाउडनेस है उसको इन्हेंस कर सकते हो, थोड़ा लाउड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसके मिड्स की या फिर वोकल्स की, तो वोकल्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है इस हेडफोन में। वोकल्स थोड़े बहुत आपको अनक्लियर लग सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ट्रेबल है वो थोड़ी सी कम है, फीके फीके लगते हैं जो वोकल्स हैं, तभी वो साउंड लग सकती है इस हेडफोन के अंदर। लेकिन जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी औसम है और जो कम्फर्ट मिलता है वो भी काफ़ी औसम है। इसके अंदर थोड़ी सी जो ट्रेबल अगर और होती तो शायद जो वोकल्स हैं उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़ सकती थी या और बेटर हो सकता था जो उसका साउंड है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है मुझे स्टार बॉय 3 में। तो दोस्तों, ये था इन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में। अगर आपको कोई भी अगर डाउट रह जाता है इन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में।